दोस्तों, मुगले आजम फिल्म का नाम लगभग हर हिंदुस्तानी सिनेमा प्रेमी ने सुना है। दिलीप कुमार की अदायगी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों से ये पूछा जाए कि के आसिफ साहब कौन थे तो बहुत कम लोग बता पाएंगे कि मुगले आजम फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ भी एक अच्छा खासा कद रखने वाले व्यक्ति थे इंडस्ट्री में उस जमाने में। ये बात है 1960 के दौर की, जब 5 अगस्त 1960 को मुगले आजम फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इसकी भव्यता और इसकी शूटिंग की कला देखकर दुनिया कायल हो गई। इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म जो आज भी हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर है और इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लेकिन के आसिफ साहब की बात करें तो इतने सादगी भरे डायरेक्टर आज के जमाने में राग लेके ढूंढो तब भी नहीं मिलेंगे। उनकी एक खासियत मुझे जो इम्प्रेस करती है वो मैं आपको बताए बगैर रह नहीं सकता। 1945 में इस इंसान ने मुगले आजम फिल्म बनाने की शुरुआत की। पहले इस फिल्म के हीरो थे चंद्र मोहन, जो फिल्म के दौरान ही किसी वजह से आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो गए, उनका निधन हो गया, फिल्म डब्बे में चली गई। लेकिन देखिए एक इंसान की हिम्मत, 15 साल तक लगातार उस फिल्म के जुनून को अपने दिल में छुपाए ये इंसान लगा रहा कि मुझे ये मुगले आजम फिल्म बनानी है। बहरहाल दिलीप कुमार को लेकर दोबारा इस फिल्म का निर्माण शुरू किया और 12 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1960 में मुगले आजम फिल्म पर्दे पर आई। इन 12 सालों में एक खासियत के आसिफ साहब की, वो पेशे से एक दर्जी थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि डायरेक्टर बनने से पहले वो एक दर्जी थे और उनकी बाकायदा दर्जी की दुकान थी। उस वक्त का बॉम्बे मशहूर दर्जी की दुकान पर बैठे एक इंसान, देखिए उसके दिमाग में क्या चलता है। सिलाई कर रहे हैं, लोगों के कपड़े सिल रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक कहानी है और उसे बनानी है। उस कहानी का नाम है मुगले आजम। क्या कमाल का दृश्य रहा होगा। 5 साल तक उस फिल्म की सिटिंग्स चली म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, जो बड़े बड़े शायर होते थे, बड़े बड़े लेखक होते थे, उन सबको बुलाया जाता था और उनसे कुछ ना कुछ लिखवाया जाता था, जो लिखा है उस पर डिस्कस होता था। ये डिस्कशन एक दर्जी की दुकान पर हर रोज शाम को 5 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक 2 से 3 घंटे की रोज सिटिंग होती थी। माल है, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग जो इस सिनेमा के पर्दे के पीछे रहते हैं, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर राइटर्स को लगभग कोई जानता तक नहीं है, सब लोग मुगले आजम और दिलीप कुमार मधुबाला को जानते हैं। लेकिन देखिए खासियत, वाह क्या कमाल का दृश्य है। दर्जी की दुकान पर बैठा एक डायरेक्टर मीटिंग्स ले रहा है, अपने दोस्तों को बुला रहा है, फिल्म से जुड़े हर इंसान को, चाहे वो सेट डिज़ाइनर हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे जो गाने लिख रहा हो, चाहे जो म्यूज़िक बना रहा हो, म्यूज़िक की सीटिंग्स, फिल्म से जुड़े हर एक डिपार्टमेंट के बड़े बड़े दिग्गज लोगों की सीटिंग वो अपने दर्जी की दुकान पर कर रहा है। और लोग भी बड़े खुश होकर आते हैं और शाम को दर्जी की दुकान पर बैठ कर के आसिफ साहब के साथ गुफ्तगू करते हैं कि कैसे 1,000 घोड़ों के बीच में 500 हाथी चलेंगे, ये आएंगे कहाँ से, किस सरकार से कहाँ से मदद ली जाएगी, ये सारी प्लानिंग बैठ के दर्जी की दुकान पे हो रही है। इतनी सादगी और संजीदगी भरे वो लोग थे जो अपनी कला के प्रति समर्पित थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दर्जी की दुकान पर बैठकर इतनी बड़ी फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, वही उनका ऑफिस है। और वहीं से बैठकर उन्होंने 5 साल तक इस फिल्म की स्क्रिप्ट पे और पूरे की पूरी फिल्म की तैयारियों की, चर्चा की, मीटिंग्स की, सब कुछ फाइनल किया बाकायदा। उसके बाद शूटिंग के फ्लोर पे गए और इतनी बड़ी फिल्म मुगले आजम बन के पर्दे पर आई दुनिया के सामने, जिसका दुनिया आज भी लोहा मानती है, जो न कभी बन सकती है न बनेगी। 1960 के दौर में इतनी भव्य फिल्म बनाना आज के डायरेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है। आज के डायरेक्टर्स के लिए आसान बहुत है, क्रोमा, VFX, ग्राफिक्स इतना आ गया कि पूरे की पूरी पिक्चर स्टूडियो में बन जाती है। 10 हाथी लाओ और उनको 1,000 हाथियों में कंप्यूटर के द्वारा एक झटके में तब्दील कर दिया जाता है। 50 घोड़े और उनके 5,000 घोड़े बना दिए जाते हैं, लेकिन के आसिफ साहब को 5,000 घोड़े असल में सेट पर लाने पड़े, उनसे काम कराने पड़े, 2,000 ऊंट रेगिस्तान में असल जिंदगी में लाने पड़े और शूटिंग करानी पड़ी, न कोई ग्राफिक्स न कोई VFX। और ये सारी प्लानिंग दर्जी की दुकान पर बैठकर होती है। वाह, आज अगर छोटा सा भी डायरेक्टर हो और उसे अपनी फिल्म की तैयारी करनी हो तो इतने बड़े बड़े ऑफिस की कल्पना करते हैं कि उस ऑफिस में बैठकर ही मैं अपनी सिटिंग्स लूं।
मजाल है आप छोटे छोटे डायरेक्टर्स और राइटर्स से मिलिए, वो सीधा आपको मीटिंग पर बुलाते हैं कि बरिस्टा में आ जा, कैफे कैफेडे में आ जा, कोस्टा कॉफी में आ जा। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, भव्य रेस्टोरेंट्स, वहाँ बैठकर अपने सहयोगों को बुलाते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं। दिखावा और चमक धमक में ही उनकी आधी एनर्जी खत्म हो जाती है। अगर किसी डायरेक्टर ने अपने सहयोगियों को बुला लिया किसी चाय की दुकान पर, टपरी पर बाहर बैठे किसी गली मोहल्ले के कोने पर, तो लोग आना ही पसंद नहीं करेंगे, और आ गए तो बैठकर चर्चा ही नहीं करेंगे, उन्हें शर्म आएगी कि लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे, अरे मुझे कोई पहचान लेगा, अरे मेरे कोई फोटो नहीं खींच लेगा। इसी कश्मकश में छुपे हुआ है इंसान का आज का टैलेंट। ये मेरा आंखों देखा भी तजुर्बा है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास जाओ सिटिंग्स के लिए, तो शहर के सबसे पॉश रेस्टोरेंट में सबसे बड़ी जगह कोस्टा कॉफी में आ जाओ, जहां एक एक कॉफी 500 रुपए की मिलती है। गलती से अगर आपको बिल देना पड़ गया 2000, चार दोस्त और बुला लिए और उन्होंने अपनी और कोई मीटिंग छेड़ रखी है, 5 बिल फट गए, 2500 रुपए खर्च करके सिर्फ कॉफी पी के मीटिंग्स के लिए उठते हैं, 3000 रुपए खर्च हो गए लेकिन चर्चा के नाम पे 0। क्यों? टैलेंट होता तो वो गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर भी आप चर्चा कर सकते हो। अधिकतर फिल्में दिखावे और चमक धमक में ही दबके रह जाती है, असली टैलेंट छुपता जा रहा है और चमक धमक दिखावा वो हावी होता जा रहा है। ये बड़ा अजीब लगता है दृश्य देखकर। पहले के डायरेक्टर इतने गुणी गुणी लोग, महान लोग, कितनी सादगी भरी जिंदगी जीकर भी कितनी बड़ी बड़ी फिल्में दुनिया को दे गए, और आज इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ दिखावा और चमक धमक और फिल्मों के नाम पर, ऐसा कि एक साल के बाद आपको फिल्म और फिल्म के गाने याद तक नहीं रहते। ये सादगी उन लोगों से क्या आज के डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस सीख नहीं सकते? गायब हो चुकी है, वो वापस कभी नहीं आएगी। आज किसी डायरेक्टर और किसी राइटर, किसी म्यूजिक डायरेक्टर, किसी लिरिसिस्ट को बुलाइए आप, किसी फलां दुकान पर बैठ कर चाय पीते हैं, सवाल है वो आ जाए। कोस्टा कॉफी में बुलाइए जहाँ 600 रुपए की कॉफी है, परेशान से आएंगे, चार दोस्तों को और ले आएंगे, अपनी दो मीटिंग और जोड़ लेंगे, और आपका मीटिंग का बिल पड़ेगा 4000 रुपए। पिक्चर बनेगी 2 साल बाद, लेकिन 4000 डेली खर्च करने की हिम्मत हो तब मीटिंग रखिए, वरना भूल जाइए पिक्चर बनाना। पिक्चर बने ना बने, दिखावा जरूरी है। आसिफ साहब की ये सादगी मुझे बड़ा इंप्रेस करती है कि दर्जी की दुकान पर बैठकर उन्होंने सारी मीटिंग्स की 5 साल और मुगले आजम बनाई। वाह, माल की बात है। जहन में थी सोच आपके साथ चर्चा करूं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे महान लोगों को कभी कभी याद करने से बड़ा सुकून मिलता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आसिफ साहब की बनाई मुगले आजम को सलाम है, धन्यवाद।